किंग की। इस गेम की मैं दो ऐसी खामियां बताऊंगा दोस्तों कि जिसको जानने के बाद आप शायद ही दोबारा वो गेम खेलेंगे। पहला ये है कि इस गेम में अगर आप 4 प्लेयर्स गेम खेलते हैं तो 90% पहले से ही रिजल्ट तय रहता है, जो मैं आपको कर कर दिखा रहा हूँ। फिर दो गोटी, मेरा ब्लू वाली गोटी का सबसे पहले 2-6 आया है, जिससे ये साबित हो जाता है कि 90% चांसेस है कि ब्लू वाली गोटी ही जीतेगी। अब आप ये सोचेंगे मैं 90% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10% तो कुछ ऐसे भी प्लेयर होते हैं जिसे कोई भी चाह कर भी नहीं जीता सकता, ऐसे वाहियात खिलाड़ी होते हैं, तो 90% चांसेस उनका फिक्स रहता है कि गेम वही जीतेंगे। और दूसरा, मैं फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ 2 प्लेयर्स वाली गेम की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर 2 प्लेयर्स वाला गेम खेल रहे हैं अगर आप, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी कि आप कभी भी वो गेम को नहीं हारेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ कि अगर आप 2 प्लेयर्स वाला गेम खेल रहे हैं और आपका स्थिति बहुत अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप हारने वाले हैं तो उस केस में आप उस गेम को क्रैश कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रैश कर सकते हैं। आप कैसे क्रैश करेंगे? तो लूडो किंग का जो बेसिक रूल है कि कभी भी दो गोटी एक साथ नहीं आ सकता, तो एक साथ नहीं आ सकता, तो उसके लिए उसको 3-6 देना पड़ेगा, और अगर 3-6 आ गया तो वो क्रैश कर जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, तो मैं जो रूल बता रहा हूँ मैं उसको कर कर दिखा रहा हूँ कि आप सभी गोटी को एक के बाद एक लेकर चले, तो मजबूरन जो लूडो किंग है उसको 3-6 देना पड़ेगा और गेम क्रैश हो जाएगा और आप हारने से बच जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चारों गोटी को लेकर साथ में चलते हैं तो उसका और एक फायदा है कि 6 बहुत ज्यादा दे देगा, क्योंकि उसके पास कोई पासा ही नहीं बचता है देने के लिए, तो उसको 6 देना ही पड़ता है, गेम को मजबूरन 6 देना ही पड़ता है। और जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा 3-6 आ गया और गेम क्रैश हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और सजेशन भी दें। फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।